नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुरुवार की शाम तेज रफ्तार वाहन अचानक ही पलट गया, जिसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए सीहोर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना उस समय हुई जब हितौला से पिकअप वाहन कुछ लोगों को लेकर पान उमरिया जा रहा था। उसी समय ग्राम सरसा के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत ही घायलों को इलाज के लिए अलग अलग वाहनों से सीहोरा भिजवाया। बताया जा रहा है कि सड़क पार कर रहे जंगली जानवर चीतल को बचाने के लिए वाहन चालक ने अचानक ही ब्रेक लगाया। घटना में चीतल तो नहीं बचा पर पिकअप वाहन भी पलट गया, जिसमें कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन क्रमांक MP20GB6705 जबलपुर से कटनी की तरफ जा रहा था, तभी खितौला के पास पान उमरिया मार्ग शरदा के पास सड़क पर एक जंगली जानवर चीतल आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में मौजूद 3 लोग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को सबसे पहले सीहोरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर लोगों को 108 एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही खितौला थाना TI संगीता सिंह और उनका स्टाफ मौके पर पहुंचा और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतकों को सीहोरा अस्पताल के मर्चुरी में रखा गया, जिनका पोस्टमार्टम शुक्रवार को सुबह किया गया। सीहोरा अनुविभागीय अधिकारी पारुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार की रात अचानक पिकअप वाहन क्रमांक MP20GB6705 जबलपुर से पानुमरिया सड़क मार्ग पर पहुंचा तो अचानक चीतल के सामने आ जाने से सीधी उससे भिड़ंत हो गई। जंगली जानवर को बचाने में पिकअप वाहन भी सड़क किनारे उछल कर जा गिरा और पलट गया। घटना में जंगली जानवर चीतल सहित 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं वाहन के भी परकच्छे उड़ गए। फिलहाल पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पिकअप वाहन किसका था और लोडिंग गाड़ी में सवारी किसके कहने पर ले जाई जा रही थी। मृतकों के नाम इस प्रकार है। आदिक सिंह, पिता उम्र 50 वर्ष निवासी सिलौड़ी। सुकृत सिंह, उम्र 50 वर्ष निवासी महगवा। ओम प्रकाश, उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 3 सीहोरा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।